पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 10 यात्रियों से खचाखच भरा था। तभी प्लेटफॉर्म पर लगे टीवी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चल गई। बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर काफी महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही सैकड़ों लोग झेप गए। लोग इधर उधर अपनी नजरें चुरा रहे थे। जैसे ही रेलवे स्टेशन के स्टाफ को इसका पता चला तो तुरंत ही इस वीडियो को रुकवाया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू की। यही नहीं, पूरे मामले को लेकर FIR भी दर्ज कराई गई। आइए जानते हैं आखिर ऐसी शरारत किसने की और इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर रविवार सुबह हुई। टीवी स्क्रीन पर अश्लील फिल्म का प्रसारण करीब 3 मिनट तक होता रहा। लोगों को इस बात पर भी हैरानी हुई कि आखिर इसे बंद कराने में इतना अधिक समय क्यों लगा। इस घटना को लेकर कई यात्री आक्रोशित हैं। जानकारी के अनुसार यात्रियों ने ही इसकी सूचना GRP और RPF को दी। मामले की जानकारी मिलते ही रेल कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। RPF ने तत्काल संबंधित एजेंसी को फोन किया और अश्लील फिल्म के चलाए जाने की सूचना दी। इसके बाद स्क्रीन पर इसका प्रसारण बंद हुआ। जानकारी मिलने पर एजेंसी के कुछ कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इस बीच रेलवे के वाणिज्य विभाग की ओर से संबंधित एजेंसी दत्ता कम्युनिकेशन के खिलाफ RPF पोस्ट में FIR दर्ज कराई गई है। एजेंसी के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये वीडियो प्ले कैसे हुआ। इस मामले को लेकर रेलवे का बयान भी सामने आया है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से बताया गया कि पटना जंक्शन पर हुई घटना को संज्ञान में लेते हुए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। साथ ही एजेंसी को टर्मिनेट कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। उसको संज्ञान लेते हुए रेलवे तुरंत ही उस एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया है तथा उसे ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ RPF और GRP ने 2 FIR दर्ज किए हैं और उस पर विस्तृत जाँच चल रही है।